आते ही सबसे पहले ख्याल दिल में होता है ना वो ये होता है कि आज खाने में क्या बनाना है। अब सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ और मैं सोची क्या बनाऊँ, तो जो मेरा फेवरेट है ना, यानी मैं एनी मूड में खाना पसंद करती हूँ, वो होता है खिचड़ी और मिर्ची का ठेसा। यार इसमें इतना ज़्यादा स्वाद होता है और इतना ईजीली बन जाता है ना कि आप इसको कभी भी खा सकते हो। ये मेरा फेवरेट है, यानी जब भी मुझे ऐसा लगे कि मुझे कुछ खाना है तो मैं यही बना के खाना पसंद करती हूँ। ईजी भी है, सस्ता भी और ईजीली हो जाता है। और जैसे कि आजकल मेरी तबीयत ख़राब रह रही है तो मुँह में ऐसा होता है कि भाई कुछ खट्टा या कुछ ऐसा स्पाइसी जैसा खाना चाहिए, तो दिस ठेसा आर सूटेबल फॉर दिस कि जो बीमार होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा जाता है, लाइट भी खाना होता है। तो इसको इंजॉय कर रही हूँ मैं, तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आप लोग क्या खाना प्रिपेयर करते हो। सो चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट शॉट। ओके, आई नो कि मैं आपको थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही हूँ, लेकिन मैं टेढ़ी नहीं हूँ, मैं एकदम सीधी खड़ी हूँ, बिकॉज मैंने आपको ऐसी जगह बिठा के रखी हूँ जिससे आपको मैं थोड़ी सी टेढ़ी लग रही हूँ। अब दिस इज अ ड्रेस और मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ गेट रेडी विथ मी विथ मेकअप, जो रक्षाबंधन के लिए स्पेशल होगा। तो ये ड्रेस पहनूंगी और मैंने ऑयलिंग वगैरह कर रखी है, सर्दी से मेरा फेस एकदम सूज के आलू जैसा हो चुका है, बट नहाने के बाद और थोड़ा सा आइस वगैरह अप्लाई करने के बाद फेस बिकम अ नॉर्मल इंशाल्लाह। तो दिस इज अ क्लोथ्स, ये है नीचे की पैंट, वो आपको दिखाई थी वो था ड्रेस, और दिस इज अ दुपट्टा, आर सो ब्यूटीफुल गोल्डन एंड ब्लैक कलर का। तो मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, तो ये रही मेरी हनु। हनु दुनियादारी जाते लेने ही अपनी मस्ती में मस्त रहती है। तो नाउ यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और देखते हो ट्रांसफॉर्मेशन, आए हाय गुल से गुलाब हो चुकी हूँ, कैसा लग रहा है लुक। और अगर आप लोग ये लुक देखना चाहते हो ना कि कैसे मैंने क्रिएट किया है, तो गो एंड चेकआउट, मैंने ऑलरेडी इस पर जो फुल ब्लॉग था मैंने शेयर कर चुकी हूँ। तो लग रही है ना एकदम पटाखा, लेकिन ये रक्षाबंधन के लिए था, तो आप लोग ज़रूर देखना और मुझे बताना कि लुक आप लोग को कैसा लगा। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, दिस इयरिंग आउटफिट और मैं खुद। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो नाउ शूट हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, बिकॉज असर का टाइम हो रहा है तो नमाज पढ़ लेते हैं, तो चेंज कर लेती हूँ। बाहर जाने का प्लान था बट नहीं गए, और मुझे बात करने भी नहीं जम रही है बिकॉज ये अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा है। सो मैं मिलती हूँ चेंज करती है। गाइस, तो ऑलमोस्ट मगरीब हो चुकी है और मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था अमेजोन से। मेरी आवाज़ अभी भी सर्दी ऐसी लग रही है, बिकॉज मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट अभी तक पूरी तरह से कवर नहीं हुआ है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और जस्ट देखो मेरी कैट्स अभी सो रहे हैं, और ये सो नहीं रहे, ये लोग चार्ज हो रहे ताकि रात भर जगेंगे। हनु छोरी मम्मा गुडू बस खेलने को चाहिए इसको। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं, और मुझे भूख भी लग रही है यार, मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ ना, एक अच्छी आदत है मेरी, मैं खाना जल्दी खाती हूँ, और मेरे सोने में 2 से 3 घंटे का गैप होता है जिससे मेरा डाइजेशन अच्छा होता है और मैं जल्दी सो जाती हूँ, यानी ऑलमोस्ट 10-11 बजे मतलब मैं नींद में रहूँगी और मैं सुबह जल्दी भी उठती हूँ। सो दिस इज़ एक अच्छी आदत मेरे अंदर है कि मैं जल्दी सोती हूँ जल्दी उठती हूँ। वाओ, दिस इज अ लिप मास्क, आप देख के समझ गए होंगे बनी। सो दिस इज अ लिप मास्क, देख कर ही समझ में आ चुका है, और मेरा बनी ना मेरे को चैन से बैठने नहीं देता, इतनी मस्ती कर रहा है, अभी उसकी मस्ती चालू है। तो इसको दिस इज अ काफ़ी बड़े लिप्स हो जाएंगे। दिस इज अ रोज लिप मास्क, एक्चुअली मैंने बहुत देखा था ट्रेंडिंग ऐसे लिप मास्क होते हैं, बड़ो बजट से बहुत ज़्यादा भार है, 2 से 3 हज़ार के जाते हैं, और ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला है। तो इसका रिव्यू डेमो करेंगे, दिस इज अ जापानीज और कोरियन ब्रांड बेबी सिंगल रोज यूएसए, तो ये यूएसए का ब्रांड है, नहीं ये आई थिंक इसे पीछे लिखा हुआ है चाइनीज और कोरियन लिखा हुआ है, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करनी होगी, जब इसका रिव्यू एंड डेमो करूँगी तब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी इसका कि कैसा है। भाई 100 रुपीज़ से मिला है तो पूरा इसका
अब मज़ा तो उठाएंगे ही ना। सो मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी। अभी मैं चल रही हूँ खाना खाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही था। तो मैंने आज बना रही हूँ खिचड़ी और मिर्ची का ठेसा। ये मेरा ना मतलब जब भी मेरा ऐसा मूड हो कुछ खाने का तो मेरा फेवरेट है ये। मैं यही बना के खाना पसंद करती हूँ। देखो खाने से पहले पानी पीना चाहिए, तो आई हैव माई वाटर। डाइजेशन अच्छा होता है, कम खाया जाता है। मैं कब ठीक होऊंगा पता नहीं। सो या दिस इज माय फूड खिचड़ी एंड द ठेसा। आई लव, लुक्स डिलीशियस एंड द तीखा तीखा। सो दिस इज माय डिनर। सो टेम्पटिंग। और वैसे ना खाना खाते लोग टीवी नहीं देखते, बट मैं अकेली हूँ ना, तो मैंने कल आधी मूवी देखी थी यशोदा की, उसके बाद का आज आधी मूवी देखूंगी। इस सीन में ना ये फाइट ऐसे कर रही है जैसे कि कोई गांव वाली नहीं है बल्कि एकदम ट्रेंड है। हाँ देखिए, मतलब गांव वाली इसको बताया गया है, बट जिस तरह से फाइट कर रही है तो एंड में ट्विस्ट तो ज़रूर होगा। साउथ इंडियन की मूवी है ये और मुझे अभी तक तो काफ़ी अच्छी लगी है, बिकॉज मेरे को साउथ इंडियन मूवी पसंद आती है और मैं देखना भी पसंद करती हूँ। सो मैं इसको वॉच करती हूँ, अपना डिनर फिनिश करती हूँ। और हाँ मुझे बताओ कि आप लोग ने ये मूवी देखी है या नहीं देखी है। जो लोग देखा है कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को कैसे लगे। मर गई। खाना खाते हो खून खराब नहीं देखा जाता। मोटू बनी अरे सुनता ही नहीं हो तो।